मैं इस वक्त हूँ वादत कॉलोनी लाहौर और आप देख रहे हैं पूड़े जलेबियाँ कतलम्मे रंगारंग रिवायती पकवान और साथ आपको हम दिखाएंगे यहाँ कसूरी फलूदा भी लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम फिजा बाबर आवान, ईद मिलादुन नबी का जश्न तो आप लोगों ने बहुत मनाया होगा। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक ऐसा रंग जो आपने कभी नहीं देखा। ईद मिलादुन नबी जिंदा दिलाने लाहौर कैसे मनाते हैं, चलिए मेरे साथ और देखें। अब हम पहुंच चुके हैं जिस अमनाबाद के इलाके में और ये जो गहमा गहमी और रौनकें आपको नजर आ रही हैं ये ईद मिलादुन नबी के हवाले से हैं। यहाँ पर ये रिवाज है कि जो भी जिसका कारोबार है जो बारबेक्यू लगाता है आज का दिन उसने अपना बारबेक्यू फ्री कर दिया है। सुबह अजानों तक जो है लोग आएंगे खाएंगे, जगह जगह पे दस्तरखान लगे हुए हैं। जो कुल्फियां बेचता है उसने आज कुल्फियां फ्री कर दी, जो चाय बेच रहा है वो चाय फ्री दे देगा और जो कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं उन्होंने कोल्ड ड्रिंक फ्री कर दी। यहाँ तक के जो पान वाली शॉप है वहाँ पे पान भी आज की रात फ्री मिलेंगे। तो जनाब ये ईद मिलादुन नबी की जो जश्न है ये इस तरह से लाहौर ये जो है मनाते हैं। आज का दिन सारा कुछ फ्री है, कोई भी आकर खा सकता है, दस्तरखान पे बैठे खाएं जितनी दफा दिल चाहे खाएं और उसके बाद जश्न मनाते मनाते घर जाएं और सो जाएं। जनाब जितनी रौनक देख रहे हैं गहमा गहमी देख रहे हैं ये है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाहौर में इतने ही जोशों के साथ ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। ये आपकी राइट लेफ्ट हर तरफ फ्री पकवान पक रहे हैं, लोगों में तकसीम हो रहे हैं, लोग खा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। आपको यहाँ पर पूरी रात जिसमें और मछली है, बारबेक्यू है, चने भटूरे हैं, बहुत कुछ है, जितना चाहे खा सकते हैं। ये बरकत है मेरे नबी पाक की और उनकी बरकत से ही है और उनकी बरकतों के सदके में ही हम सब खा रहे हैं। ये दोनों कायनात मेरे नबी के लिए जी। इस वक्त हम लोग हैं मजंग और लंगर तकसीम हो रहा है। जैसे आपने देखा पीछे भी लोग बहुत ज्यादा जश्न मना रहे थे और यहाँ पर भी ये सारी रात ऐसे ही लंगर चलेगा। हम लोग रास्ता बदलते हुए जो है वो इकबाल टाउन से अमनाबाद, अमनाबाद से मजंग और मजंग से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वादत रोड तक पहुँच जाए किसी तरीके से, क्योंकि सारी गलियां तकरीबन बंद है।
जैसे कि मैं आप लोगों को बताती आ रही हूँ कि आज के दिन लंगर इतना वक्त मिकदार में है कि आप सारी रात भी खाते रहेंगे तो खत्म नहीं होगा। और जिसमें चना चाट है, दही भले हैं, फ्रूट चाट है, लड्डू पीठी वाले हैं और पता नहीं इतनी किस्म के मशरूबात हैं, मजे मजे के दूध हैं और बहुत कुछ है खाने के लिए। बारबेक्यू के स्टॉल लगे हुए हैं, खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा इतनी चीजें हैं। और आप पब्लिक भी देख रहे हैं कि कितने लोग हैं। आज के दिन ज्यादातर लाहौरी घर में खाना नहीं बनाते क्योंकि खाना जो है वो बाहर से खाया जाता है। अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने स्टॉल पे। हम लोग हर साल लोगों को फ्राई मछली खिलाते हैं, आए जनाब हम आपको अपना स्टॉल दिखाते हैं। हाँ जी, वाले सलाम, सुनी क्या गई है? दिखाओ जरा, आ जाए। ये हमारा है, ये भाई हैं और ये देखें जी, वो भी बढ़िया मछली फ्राई हो रही है। हाँ जी, मेहनता हो रही है ना, सही है। तो यहाँ पे टेबल लगा के इनको बिठा दिया करो। तो जनाब ये है हमारा स्टॉल और यहाँ पर हर साल जो है हम लोगों को फ्राई मछली खिलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मछली फ्राई हो रही है और लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, कैसा लगता है यहाँ पर आके लोगों को मछली फ्राई करके खिलाना? और कितने साल हो गए हमें? माशाल्लाह काफी साल हो गए। हमने ऑलमोस्ट पहला जब शुरू किया था बजट तो हमने 300 पर केजी और 40,000 का बजट था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बजट लाखों में चला गया और यहाँ पे आके एक बचपन की याद ताज़ा हो जाती है और एक जज्बा आता है और फिर लोगों को बांटना, खिलाना और अपने हाथों से सारा काम करना। जबकि हम पूरा साल किचन में जाके हमें चाय नहीं बनानी आती, लेकिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लंगर अपने हाथों से खुद बनाते हैं और खुद बांटना पसंद करते हैं। जबकि यहाँ से शिफ्ट हो गए फिर भी यहाँ आके लंगर लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारा पुराना अपना भाई का ही घर है। और जब अपने घर इंसान आता है उसको बड़ी अच्छी खुशबू आती है, वो मिट्टी बड़ी अच्छी है और यहाँ के लोगों की खिदमत करते हैं, लोग बड़ा प्यार देते हैं और बड़े खलूस से देखते हैं। ये बांटना तो एक बहाना है, ये तो सरकार की एक सुन्नत है जिसमें हम अमल कर रहे हैं और आप सरकार कबूल करें। हाँ, तो हमारी तो कोशिश है हम सारा साल बांटें। जश्न मनाने के लिए तो निकले थे। मेरी जिंदगी का ये पहला जश्न है जिसमें मैं घर से बाहर निकली हूँ। आप लोगों के लिए मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा लाहौर का जश्न दिखाया जाए कि लाहौर के लोग जो हैं वो कैसे जश्न मनाते। रास्ते में जाते हुए एक खूबसूरत मस्जिद नजर आई सजी हुई, मुझे लगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। आप भी देखें क्या खूबसूरत लग रही है मस्जिद, उन्होंने कितनी खूबसूरत इसकी डेकोरेशन की है। इन्हें 3D लाइट्स कहते हैं। वक्त कम है वरना दिल जा रहा था और यहाँ पर रुका जाए और इस नज़ारे को मज़ीद देखा जाए। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी। आपको पता है लिबर्टी जो है वो बहुत ही पुर रौनक जगह है और ईद मिलादुन्नबी की वजह से भी ये और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। रात के 1:30-2 बजे का टाइम है लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो मुसलसल आ रहे हैं। तो मकसद ये था कि आपको दिखाया जाए कि लाहौरिये जो हैं वो ईद मिलादुन्नबी क्या जश्न कैसे मनाते हैं, खुशियां कैसे मनाते हैं। तो जनाब आज का हमारा सफ़र जो है ये यहाँ पर तमाम होता है। मुझे उम्मीद है कि आज ईद मिलादुन्नबी का जो ये हमारा छोटा सा एक ब्लॉग है आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।